और बयान जिसको लेकर काफी चर्चा है। 15 साल बाद मुंबई पर आतंकी हमले को लेकर राजनीति हो रही है। महाराष्ट्र के नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार ने नागपुर की रैली में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि हेमंत करकरे की मौत आतंकी की गोली से नहीं बल्कि आरएसएस के वफादार पुलिस अधिकारी की गोली से हुई थी। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोली कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्थित। विजय वडेट्टीवार ने ये बातें नागपुर की रैली में कही और वडेट्टीवार का बयान वायरल हुआ तो सियासी तूफान मचा। बीजेपी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी और बीजेपी ने वडेट्टीवार के बयान को देश विरोधी भी करार दिया। विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और देश के न्यायालय पर भी एक प्रकार से सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जो लोग पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं वो सबसे बड़े देशद्रोही हैं। जब पाकिस्तान ने स्वयं एडमिट किया है कि हमने भारत पर हमला किया है, पाकिस्तान ने स्वयं एडमिट किया है, उसके बावजूद हम पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे लोग भारत के चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उन्हें पाकिस्तान जाकर चुनाव लड़ना चाहिए। वडेट्टीवार ने कसाब को फांसी सजा दिलाने वाले वकील उज्जवल निगम को जी भर कर कोसा। उज्जवल निगम मुंबई के उत्तर मध्य सीट से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार है। ज्या उज्ज्वल निगमांनी बिर्याणीचा विषय काढून काँग्रेसला बदनाम केलं होतं आणि जी हकीकत नव्हती, कसाबला बिर्याणी दिली, कसाबला कोणी बिर्याणी देईल का? उज्ज्वल निगमने ते नंतर मान्य केलं, असा बेईमान माणूस आहे तो, हा कसला वकील, हा देशद्रोही आहे। देखिए, जो लोग पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं वो सबसे बड़े देशद्रोही है। जब पाकिस्तान ने स्वयं एडमिट किया है कि हमने भारत पर हमला किया है, पाकिस्तान ने स्वयं एडमिट किया, उसके बावजूद हम पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे लोग भारत के चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उन्हें पाकिस्तान जाकर चुनाव लड़ना चाहिए।